गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पुराने टाइम में, बहुत टाइम पहले, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था. ट्रांसपोर्ट जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, लाइक कार, बाइसिकल, साइकिल, मोटरसाइकिल, बुलॉक कार्ट, ये सब चीज़ें. They used to move only on foot and carry goods either on their back or using animals. या तो वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे तो जो उनका सामान था या तो वो खुद कैरी करते थे या फिर वो एनिमल्स को यूज़ करते थे. फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज. पर उस टाइम जब वाटर रूट से जाते थे, मतलब पानी के रास्ते से जाते थे, तो वो बोट्स वगैरह यूज़ करते थे. क्योंकि हम जानते हैं पुराने टाइम में लोग पैदल चलकर ही दूर दूर की ट्रैवलिंग को, डिस्टेंस को कवर करते थे. वो इस तरह से व्हीकल्स वगैरह का यूज़ नहीं हो पाता था क्योंकि उस टाइम वो चीज़ नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं था. इन्वेंशन ऑफ व्हील. फिर क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो ट्रांसपोर्ट जो मोड था उसमें भी एक ग्रेट चेंज आ गया. द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. एनिमल्स फॉर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स. फिर एनिमल्स यूज़ होने लगे जो व्हीकल्स को खींचें, जो कि किससे बने हुए हैं हमारे, जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं. व्हील्स की हेल्प से एनिमल्स उसको खींचते हैं, ये भी मूव करते हैं. तो अच्छा से जो चेंजेस आए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वो इन्वेंशन ऑफ व्हील्स के बाद चेंज आए. आपने देखा होगा हर चीज़ में व्हील्स लगा हुआ होता है और वो हमारे जो ट्रांसपोर्ट है उसमें काम आता है. स्टीम इंजन. स्टीम इंजन अनटिल द बिगिनिंग द 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मतलब अनटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी जो स्टीम इंजन है उसका जब इन्वेंशन हुआ, पीपल स्टिल डिपेंड ऑन द एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो पीपल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल के ऊपर डिपेंड थे. जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर कोई सामान लेकर जाते थे तो वो ट्रांसपोर्ट जो था सामान, वो पूरी तरीके से एनिमल्स पर ही डिपेंड थे. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ पावर. जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो एक नई सोर्स इन्वेंटेड हुई. रोडवेज वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेजेस एंड वैगॉन्स. फिर ये रोडवेज़, ये जिस तरह से ये इस तरह का ये यूज़ हुआ रोड पर, और इससे ये ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होने लगी जब ये स्टीम इंजन हमारा इन्वेंटेड हुआ. ऑटोमोबाइल्स. देन कैम ऑटोमोबाइल्स. अब उसके बाद क्या हुए, ऑटोमोबाइल्स आ गए. मोटराइज बोट्स एंड शिप्स वर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. काफ़ी अच्छी बोट्स में चेंजेस आ गई, इम्प्रूवमेंट आ गए, चीज़ें बदल गई. अर्ली ईयर्स 1990 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स. एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट हो गया. These were later improved to carry passenger and goods. Electric trains, monorail, supersonic, aeroplanes and spacecraft are some of the 20th century contributions. Different चीज़ें फिर ट्रांसपोर्ट की आने लगी. जो हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाने का सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होने लगा. कभी हम जब पहले टाइम के लोग पैदल चल के इतने दूर का डिस्टेंस कवर करते थे, आज हम लोग मुश्किल से विद इन आवर्स में पहुँच जाते हैं उस जगह. क्यों? क्योंकि सब कुछ इन्वेंशन है. धीरे 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 सब चीज़ें डेवलप्ड होती रहती हैं और हमारे जो काम है वो आसान होते चले जाते हैं. सम मेज़रमेंट. मेज़रमेंट है कंपेयरिंग एन अनोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी. जब हम किसी का मेज़रमेंट करते हैं और हमें उसका मेज़रमेंट नहीं पता होता तो हम जिस चीज़ पे ऑलरेडी मेज़रमेंट पता होता है उससे उसको मेज़र करते हैं. जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि आप एक एंगल बनाओ या लाइन ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर की, तो आप पेंसिल से उसको ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पेंसिल से नहीं पता कि कितनी लाइन 4 सेंटीमीटर होगी. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम स्केल यूज़ करते हैं. हम स्केल ऑलरेडी क्या है, एक मेज़रमेंट क्वांटिटी है, उसको वो नोन क्वांटिटी है, उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ तक 4 लाइन ड्रॉ करनी है. तो अननोन क्वांटिटी को जानने के लिए हमें नोन क्वांटिटी का यूज़ करना होता है. रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट का रिजल्ट क्या रहता है, 2 पार्ट्स में रहता है. 1 पार्ट इज़ अ नंबर, अनदर पार्ट इज़ अ यूनिट. एक पार्ट उसकी नंबर रहती है और एक पार्ट उसकी यूनिट. द नोन क्वांटिटी है विच इज़ यूज इन मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट. जो क्वांटिटी हम जानते हैं वो कहलाती है उसकी यूनिट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से दैट योर हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर, अगर हम ये कहें कि हम जो तुम्हारी हाइट है 150 सेंटीमीटर है, देन द मेजरमेंट ऑफ योर हाइट इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर दैट इज़ 150 एंड अ यूनिट दैट इज़ सेंटीमीटर. 150 एंड इट्स सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इसका क्या है, सेंटीमीटर इसका यूनिट है. करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हम इन चीज़ों से करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ पता लगा सकते हैं. वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस. वी यूज़ अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ. अ टेलर यूजेज अ टेप
वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रूल। आपने देखा होगा मार्केट में जब कोई मम्मी कपड़ा वगैरह खरीदती है तो वो एक ऐसा स्केल निकालते हैं, उसको मेज़र करते हैं और उसके हिसाब से उसको कट कर देते हैं। तो कपड़े का उन्हें वैसे वो अननोन मेज़रमेंट है, अभी यही बताया ना कि अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी पता लगाती है, ठीक है। तो हम इससे ही स्केल से ही पता लगा लेते हैं, जैसे कि ये ऑलरेडी इस पे नंबर पड़े होते हैं तो हम आसानी से इसकी हेल्प से मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो अननोन क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने के लिए नोन क्वांटिटी को हमें यूज़ करना पड़ता है। मेजरिंग का सुटेबल फॉर मेजरिंग का गर्थ ऑफ द ट्री फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर हम पेंसिल की लेंथ वगैरह नापेंगे तो उसके लिए हमें 50 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करना होगा जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ठीक। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फ्लॉविंग, जब हम मेजरमेंट लेंथ में उसको मेज़र कर रहे हैं तो हमें उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ, करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलॉन्ग द लेंथ टू बी मेजर्ड, आप उसको सही से रखोगे, सही से मेजरमेंट करोगे और उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में ही रखोगे तभी आप उसको अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हो। इन सम स्केल्स द एंड मे बी ब्रोकन, कुछ स्केल्स में जो एंड होते हैं वो टूटे हुए होते हैं, यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, तो हम आसानी से जीरो मार्क्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। इन सच केसेज यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल, इस केसेज में हम क्या करते हैं जीरो से मेजरमेंट करना बंद कर देते हैं। करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट, जब हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो आइज़ हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि करेक्ट मेज़रमेंट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी करेक्ट पोजीशन है आइज़ की वो करेक्ट मेज़रमेंट के ऊपर ही होनी चाहिए। हमने स्केल रख कर मेज़रमेंट कर लिया है बट अगर वो मेज़रमेंट हमारा गलत हो गया तो इट्स मीन कि हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं था। जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो हमारी आइज़ भी करेक्ट पोजीशन में होनी चाहिए। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, अब कर्व लाइन है, कुछ कर्व ऐसे होती हैं लाइंस, इनको मेज़र करेंगे। तो जिनको मेज़र करने के लिए हम स्केल का यूज़ तो कर नहीं सकते क्योंकि स्केल तो इस पर यूज़ होगा नहीं, ठीक है। नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग, एक ऐसा स्ट्रिंग लेना है जो कि स्ट्रेचेबल ना होता हो, खिंचता ना हो, या हम कोई थ्रेड ले सकते हैं जो इस पर हम मेज़र कर सकते हैं। प्लेस द नोटेड एंड ऑफ द थ्रेड एट वन ऑफ द एंड ऑफ द कर्व लाइन, लाइक कर्व लाइन ऐसे है तो हम उस थ्रेड को यहाँ रखेंगे पहले, उसके बाद होल्डिंग द थ्रेड स्ट्रेटली विद योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स से उसको यहाँ पे रखेंगे एंड कर्व अलोंग द कर्व लाइन, पूरी कर्व लाइन पर उसको उसके एंड तक ले जा लेंगे, वो पहुँच जाएगा वहाँ पर। आफ्टर दैट नाउ मेक द मार्क ऑफ द थ्रेड वेयर इट इज़ रिच इज द अदर एंड, अब आपके पास थ्रेड बड़ा है और आपकी कर्व लाइन छोटी है तो जहाँ तक भी आपका ये थ्रेड आया है अब वहाँ तक इसको लेकर जाओगे और यहाँ उसको मार्क कर दोगे कि हमारी लाइन जो है वो यहाँ तक आ गई है। फाइनली प्लेस द थ्रेड अलॉन्ग द मीटर स्केल, फिर बाद में जब आप की लाइन मेजरमेंट हो जाएगी जहाँ तक आपने उस थ्रेड पर निशान लगाया हुआ होगा तो आप उस थ्रेड को अपने स्केल पे रखेंगे और आप उसको मेज़र कर सकते हैं, ये आपका स्केल और आपका थ्रेड यहाँ आकर रुक गया, इसका मतलब आपने थ्रेड पर उसे मेजर स्केल पे आपने थ्रेड को मेज़र कर लिया है, तब हमें करेक्ट पॉइंट पता चल जाएगा कि उस कर्व की कितनी लेंथ है, ठीक। फाइनली प्लेस द थ्रेड अलॉन्ग द मीटर स्केल एंड मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट एंड द मार्क पॉइंट, हम उसे मेज़र कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, जो कर्व लाइन है हम उसे भी मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, थ्रेड में हम मार्क कर लेंगे कहाँ तक था स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, देन उसको फिर स्केल पे मेज़र कर लेंगे। मोशन, मोशन क्या होते हैं, जो पोजीशन में चेंजेस आते हैं मोशन, जैसे अगर आपने कोई टेबल अपने सामने रखी हुई है या आपके पास आपकी बुक है आपने उसको उठा के दूसरी साइड पर रख दिया, वो है मोशन। एक ऑब्जेक्ट की जगह का बदल जाना या इधर से उधर हो जाना उसको बोलते हैं मोशन। मोशन मीन्स मूवमेंट, चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना वो कहलाता है मोशन। मोशन दो तरह के होते हैं, लीनियर, तीन तरह के होते हैं, लीनियर, कर्वलीनियर एंड सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन एंड पेरिओडिक मोशन, मतलब इसमें आपके फाइव टाइप्स के मोशंस हैं। लीनियर मोशन व्हेन द मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन जब मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगा इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक। जैसे मान लो कोई आपने गेम वाली कार देखी होगी, आप उसको सीधा सीधा चला रहे हो, आपने उसको चाबी भरी और वो सीधी सीधी चली गई, वो तो लीनियर मोशन में जा रही है। बट अगर आपके हाथ में कोई रिमोट वाली गाड़ी है और आप उसको रिमोट से इधर उधर कर रहे हो तो वो लीनियर मोशन में नहीं आएगी, क्योंकि आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, बट लीनियर मोशन में वो आएगी जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और वो एक स्ट्रेट पाथ में क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। जैसे बॉल आपने फेंकी वो सीधी सीधी जाती है, वो भी हमारी लीनियर मोशन में आती है। कर्व लीनियर मोशन होता है हमारा, वो मोशन एक कर्व पाथ होता है, ठीक है। कार मूविंग ऑन अ बैंड, जैसे कार सीधी जा रही है और वो ऐसे बैंड करती है अपने रास्ते को चेंज करती है,
तो ये होता है कर्वीलिनियर मोशन, कि ये एक ऐसे तरह से बैंड आ जाना। सर्कुलर मोशन, किसी का मोशन सर्कुलर, सर्कल मोशन। व्हेन मोशन इज इन सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट जैसे आपको पता है हमारी अर्थ है वो क्या करती है, मोशन करती है अपने ही ऑर्बिट पर, ठीक है, ये इसका सर्कुलर मोशन है। जैसे आपने देखा होगा हमारी घड़ी है वो भी क्या करती है, वो स्लो सर्कुलर मोशन में है, वो भी रोटेट ऐसी ही सर्कुलेट होती है। ये आप देख सकते हो ये सर्कल है, ठीक। व्हेन द मोशन इज ऑन द सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन में पाथ में सर्कुलेशन हो रहा है वही उसका कहलाता है सर्कुलर मोशन। जिस तरह से हमारी अर्थ जो है वो मोशन करती है अपने ऑर्बिट के। रोटेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ का रोटेशन है वो हमारे एक्सिस, अर्थ का जो रोटेशन है, ये अर्थ है आपकी, ये रोटेशन करती है डे बाई डे, ये कहलाता है रोटेशन। अपनी ही एक्सिस पे खड़ोगे किसी चीज़ का रोटेट होना, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब भी ऐसे ही रोटेट होते हैं। पीरियोडिक मोशन, जब कोई चीज़ रिपीटेड मोशन में आती है, जैसे आपने देखा होगा हमारी घड़ी में बॉब लगा रहता है पेंडुलम, वो जब टाइम होता है जैसे मान लो 6 बज गए तो वो म्यूज़िक देना शुरू कर देता है, देन वो थोड़ा सा वाइब्रेट होता है फिर अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। मोशन ऑफ अ विंग, जैसे ये स्विंग वाले आपके झूले होते हैं, इसको हम झुलाते हैं, देन आफ्टर दैट वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। ये पीरियोडिक मोशन वो होता है जो मोशन अपनी पोजीशन में वापस आता है। देखो बॉब ऐसे ऐसे जाता है पेंडुलम, ठीक, पेंडुलम ऐसे जाएगा फिर ऐसे, सेम ऐसे ही स्विंग झूला भी आपका ऐसे ऐसे जाता है, ये होता है पीरियोडिक मोशन। एंड देन लास्ट फिर वो अपनी पोजीशन में आके रुक जाता है, ये मोशंस होते हैं आपके पीरियोडिक मोशंस, ठीक। मोशन हमारा जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं वो मोशन कहलाते हैं। मोशन हमारे 5 तरह के हो गए, लीनियर जो स्ट्रेट पाथ में रहते हैं, कर्वीलिनियर जो कर्व पाथ में होते हैं, सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर मोशन में ही होते हैं, एंड रोटेशन, एंड लास्ट वन इज़ पीरियोडिक। थैंक यू क्लास।